हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करा दिया है। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। A wall 15 meter long, 30 centimeter wide and 4 meter high. एक वॉल है जो लेंथ है उसकी 15 meter, वाइड है मींस ब्रेथ है उसकी 30 सेंटीमीटर एंड हाइट है उसकी 4 सेंटीमीटर। इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, वो ब्रिक से बनी हुई है। ईच मेजरिंग, अब जो ब्रिक है उसकी यहाँ पर हमें डायमेंशन दी है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों हमारी सेंटीमीटर्स में है। If 1/12 of the total volume of the wall, यहाँ पे जितना भी volume है wall का, इसका 1/12 जो है consist of mortar, उसमें क्या है mortar है, means अगर हम bricks को हटा दें तो उसमें जो cement वगैरह extra use होता है वो चीजें 1/12 है। How many bricks are there in the wall? तो उसमें कितने bricks हैं ये हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, volume निकालेंगे wall का। volume ऑफ वॉल ये हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड शेप में है, तो एल इंटू बी इंटू एच। अब सारी यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए जैसा कि हमें पता है, तो इन्हें हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे जो मीटर में है। अब हमें पता है कि वन मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब हमें बड़ी यूनिट दी है, छोटे में जाना है, तो बड़ी यूनिट से जब छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर तो 15 मीटर में कितना होगा, एक से ज्यादा पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1500 सेंटीमीटर। और यहाँ हो जाएगा 4 से करेंगे तो 400 सेंटीमीटर। अब हमारी तीनों सेंटीमीटर में हो गई है। चलिए देख लेते हैं इसे, ये हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगी, 4 3 हो जाएगा हमारा 12, यहाँ लिख लेते हैं हम, इनटू बच जाएगा हमारा 15। अब आगे देखते हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 2 30, 3 carry, 15 1 15 प्लस 3 हो जाएगा 18, और यहाँ 50 लग जाएगा आगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया है वॉल का। अब हमें निकालना है जो टोटल क्वांटिटी है मोर्टार की, तो क्या लिखेंगे हम, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोर्टार। ये क्या हो जाएगी हमारी टोटल क्वांटिटी, अगर जो ब्रिक्स है, जो टोटल वॉल्यूम है ब्रिक का, वो ईंट और मोर्टार दोनों से मिलके बनी है, तो उस टोटल वॉल्यूम से जो वॉल की है उसमें से मोर्टार वाली हम माइनस कर देंगे। सबसे पहले मोर्टार निकाल लेते हैं तो हमें ब्रिक की आंसर आ जाएगी। तो ये हमारा 1/12 है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल की कितनी है अभी हमने निकाला, यहाँ आगे 60, ठीक है, यहाँ पे 12 से कर देते हैं, 12 1 12, यहाँ पे करेंगे हम इसे, 12 1 12 बच जाएगा 6, 12 5 60, अब आ जाएगा हमारा 50 आगे, तो आ जाएगा हमारा 1 5 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या था, टोटल क्वांटिटी था जो मोर्टार उसमें यूज हुआ है। अब यहां से हम अपना टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकाल लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कि कितनी ब्रिक्स यूज हुई हूं सबका वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो वॉल का वॉल्यूम है उसमें से हम मोर्टार का माइनस कर देंगे, तो ब्रिक्स का जो बच जाएगा वो होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 18 1 2 3 4 5 6, इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 5 1, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 0 0, यहाँ पे 50 लास्ट में, 10 से 5 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 5, 1 carry 7 से 1 जाएगा 6 और यहाँ 1, इतना आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम ब्रिक का। अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, तो एक ब्रिक का हम पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं कि कितना होता है, और टोटल वॉल्यूम से को डिवाइड कर देंगे एक ब्रिक के वॉल्यूम से, तो हमारे नंबर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे।
चलिए अब हम अपना नंबर ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्यूबॉइड शेप का है, तो एल इंटू बी इंटू एच। अब इसे हम क्या करेंगे, सारी हमारी यूनिट्स हमारी सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर देंगे पुट करके। 22 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आएगा। चलिए हम देख लेते हैं, 22 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 12.5 से 22 को करते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2 5 10 2 2 4 1 5 2 मल्टीप्लाई 0 5 2 ऐड करेंगे 0 5 7 2 एक नंबर बाद डेसिमल, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 275। पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जीरो है तो इसे छोड़ देंगे हम, यहाँ हो जाएगा 7.5। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 275 मल्टीप्लाई 7.5, 5 5 25 2 carry 5 7 35 3 37 3 carry 5 2 10 3 13 7 5 35 3 carry 7 7 49 50 52 5 carry 7 2 14 15 16 17 18 19 तो ये हम ऐड कर लेंगे 5 12 5 1 6 10 2 तो ये हो जाएगा हमारा एक नंबर बाद डेसिमल, आंसर आ जाएगा हमारा 2062.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है कि कितनी ब्रिक्स यूज हुई है उसमें, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या बताया था अभी हमने, टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, जितनी भी ब्रिक्स हैं उनका वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, डिवाइड कर देंगे, इसे हम इरेज कर देते हैं, ये रफ वर्क था हमारा, इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पर अभी फिलहाल। चलिए देखते हैं आगे, हमारा कितना वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम ब्रिक का, हमारे यहाँ पे है 1 6 5 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, अभी हमने निकाला है यहाँ पर 2062.5। तो यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल हटाते ही क्या होगा, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे हम। अब कर लेते हैं इसको डिवाइड हम, 5 इसको हम जब डिवाइड करेंगे ना टोटल, डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रही हूँ आप खुद कर लीजिएगा, तो हमारा 8000 आएगा आंसर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो हमारे कितने आ जाएंगे, 8000। इस क्वेश्चन का आंसर है 8000 टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो उस पूरे वॉल में यूज होगा वो है। हम अगर मोर्टार निकाल देंगे तो वहां से पहले वॉल्यूम आ जाएगा टोटल ब्रिक का, और एक ब्रिक का डायमेंशन निकाल के टोटल वॉल्यूम के जो ब्रिक का है उससे डिवाइड कर देंगे एक के डायमेंशन से, मतलब एक वॉल्यूम से, एक ब्रिक के वॉल्यूम से, तो हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम इसे देखते हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इन लीटर्स हुज डायमेंशंस आर, डायमेंशंस दिया हमें, एक रेक्टेंगुलर सिस्टर्न है लीटर्स में, उसका हमें कैपेसिटी बताना है, जिसके डायमेंशन है तीनों, लेंथ ब्रेथ हाइट दी है हमें मीटर में, मीन्स सारी यूनिट हमें सेम है, तो यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट, एरिया पता करना आयरन शीट का, रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न, जो सिस्टर्न बनाने में काम आ रहा है, आयरन शीट से जिससे सिस्टर्न बन रही है उससे हमें एरिया पता करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है हमारी, 11.2 इंटू 6 इंटू 5.8 मीटर क्यूब में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है। 11.2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5.8 आप भी कर लीजिएगा इसे, ये हो जाएगा हमारा 3809.6 मीटर क्यूब। अब हमारा जो आंसर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वो हमारा लीटर में है, मीटर क्यूब में नहीं है, तो हमें पता है कि हमारा 1 meter cube इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा 1000 liters होता है। अब हमारे इतने सारे मीटर क्यूब हैं, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, यहाँ डेसिमल इंटू 1000, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर, इसे हम लिख लेंगे 30
और दो नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे तो लीटर में आंसर आ जाएगा 389760 लीटर। तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा इन लीटर्स। अब हमें एरिया निकालना है आयरन शीट का, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आयरन शीट यहाँ इक्वल होगा टोटल वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, इसके टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया अगर हम इसका निकालेंगे किसका, आयरन शीट का, तो हो जाएगा हमारा 2 into L into B plus B into H plus H into L। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 into L की वैल्यू कितनी है हमारी 11.2 into 6 plus 6 into 5.8 plus 5.8 into 11.2। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई तो सभी को आता है। ये हो जाएगा हमारा 11.2 into 6 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 67.2 प्लस, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.8 into 6 तो हमारा आ जाएगा 34.8 प्लस 5.8 into 11.2 तो आ जाएगा हमारा 64.92। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 into, अब हम तीनों को ऐड कर लेते हैं तो 67.2 प्लस 34.8 प्लस 64.92 ऐड किया हमने तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 166.92। आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2 से, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 333.84 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है हमारे यहाँ पर 333.84 मीटर स्क्वायर। आयरन शीट की रिक्वायरमेंट होगी कि वो रेक्टेंगुलर शीट को बना सके, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम इसे देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.5 मीटर क्यूब। यहाँ पर एक वॉल्यूम है किसका, ब्लॉक, गोल्ड ब्लॉक का, जिसका हमें दे रखा है वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब। इफ इट इज हैमर्ड इनटू अ सीट ऑफ टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, अगर इसको हम बीट करके, हैमर करके अगर उसको हम 1 हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो फाइंड द थिकनेस ऑफ द सीट। तो हमें थिकनेस पता करनी है उस सीट की, मीन्स वो जो आयरन शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है हैमर करने पर, गोल्ड का सॉरी गोल्ड शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है गोल्ड ब्लॉक को हैमर करने पर, उसका हमें थिकनेस निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, इसे हम एरिया भी लिख सकते हैं, इसको हम एरिया इंटू हाइट भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना है थिकनेस, तो हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है कि हाइट कितनी है उसकी, उसकी थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं थिकनेस, तो थिकनेस हो जाएगा हमारा वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा हमारा। तो हमारा एरिया क्या हो गया, मल्टीप्लाई में था, वॉल्यूम से डिवीजन में हो गया। वॉल्यूम हमें दे रखा है 0.5 मीटर क्यूब और डिवाइड में हम क्या रखेंगे, एरिया रखेंगे। एरिया कितना है, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर को हम मीटर क्यूब में करते हैं। हमें पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर क्यूब होता है हमारा, सॉरी मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे क्योंकि हमें सेम यूनिट चाहिए थी मीटर, मीटर में ही, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 है, इसके बाद डेसिमल 1 नंबर बाद है, यहाँ 1, 2, 3, 4 और 4 नंबर ऐड हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 0, तो ये मीटर में हो गया। अगर हमारा मीटर में आ चुका है, अब हमें अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा
तो हमें पता है 1 meter इज इक्वल टू कितना होता है 100 centimeter। ठीक है, तो अब हमें मीटर से सेंटीमीटर छोटी यूनिट में जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा, दो नंबर बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 0.0005 centimeter। अगर हमें मिलीमीटर में करना है तो हमें पता है 1 centimeter इज इक्वल टू 10 millimeter। अब हम क्या करेंगे, 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक नंबर बाद राइट साइड में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.05 millimeter। ठीक है, अगर आपको मीटर में आंसर चाहिए तो यहाँ पर मीटर में है, अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो ये आंसर है, अगर आपको मिलीमीटर में चाहिए तो ये आंसर है। मीन्स हमने 3 यूनिट में आंसर निकाल दिया है, आपको जो भी सही लगे आप वहां लिख सकते हैं, आप इसे भी लिख देंगे तो आंसर गलत नहीं होगा एग्जाम में। ये हमारा आज के क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।